तो दोस्तों अगर आप अपने जीमेल आईडी का पासवर्ड चेंज करना चाहते हो तो सिंपली इस वीडियो को लास्ट तक चेक करिए। चेंज करना कोई भी रीज़न हो सकता है कि किसी से आपने ईमेल आईडी बनवाई हो और उसने अपना मनपसंद पासवर्ड बना लिया और अब अपने अपने हिसाब से आप पासवर्ड क्रिएट करना चाहते हो, ठीक है। तो ऐसा आप कर सकते हो अपनी इस वीडियो को देख कर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बताने वाले हैं, जीमेल आईडी से पासवर्ड कैसे चेंज कर सकिए अपनी जीमेल आईडी का। तो सबसे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, सिंपली आपको यहाँ पर अपना मेरा चैनल दिख रहा होगा, सिंपली नीचे आपको सेम टू सेम लाल बटन दिख रहा होगा, उसको आप क्लिक करके ब्लैक कर दीजिए। एंड यहाँ पर बेल आइकन अभी खाली है, इसको क्लिक करके आप इसको हरा भरा कर दीजिए, ठीक है। इस तरीके से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे एक फ़ायदा हो जाएगा आपको कि अगली बार जब भी आप मेरी वीडियो पर आओगे तो सर्च करके या फिर और किसी रास्ते से नहीं आओगे, डायरेक्ट नोटिफिकेशन से छत से टपक जाऊंगा मैं आपकी, ठीक है। इस तरीके से आप मुझे डायरेक्ट देख सकते हो कोई भी हेल्पफुल वीडियो डाले तो। अब चलते हैं हमारे वीडियो पर, जो मेन मुद्दा है उसे शुरू कर लेते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, अपने यहाँ पर कोई भी एक एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं, जैसे कि मतलब जिसमें ईमेल आईडी हो आपकी, जीमेल आईडी या ईमेल आईडी हो। तो मान के चलिए मैं प्ले स्टोर ओपन कर लेता हूँ। अब प्ले स्टोर ओपन करने के बाद ऊपर ऊपर आपको देखने को मिल जाते हैं, वैसे तो बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं लेकिन ऊपर ही ऊपर आपको एक लोगो ऑप्शन यानी कि आपका खुद का एक ईमेल आईडी ओपन रहता है, ठीक है। यहाँ पर आपको करने के बाद यहाँ पर आपको देख सकते हो कि मैनेज अकाउंट ऑन दिस डिवाइस से आपको यहाँ पर रिमूव हो जाओगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जैसे कि यहाँ तो हमें कोई सिस्टम मिला नहीं है, एंड यहाँ पर आपको गूगल अकाउंट पर क्लिक करके आप डायरेक्ट अगर गूगल अकाउंट पर नीचे जस्ट क्लिक कर दोगे तो वहाँ पर आप डायरेक्ट पहुँच जाओगे। तो एक और रास्ता है, जैसे कि यहाँ से अगर आपको नहीं हो तो दिक्कत आती है, तो यूट्यूब पर आकर आप मैनेज यूर अकाउंट पर क्लिक कर दीजिए। हर अक्षरों में दिखाई रहेगा मैनेज यूर अकाउंट, जैसे आप यहाँ पर क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर आप पहुँच जाओगे आपकी ईमेल आईडी की डिटेल पर। सिंपली आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक कर देना है, एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर जब आप क्लिक कर दोगे तो नीचे थोड़ा स्क्रॉल करना है और नीचे स्क्रॉल करना है, एंड नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर मिल जाता है पासवर्ड, ठीक है। तो लास्ट पासवर्ड आपने कब चेंज किया तो उसकी डेट तक देखने को मिल जाती है। पासवर्ड पर आप क्लिक कर दीजिए। पासवर्ड पर आप जब क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा कौन सा पासवर्ड जो कि आपका हो, यानी कि आपका पासवर्ड खुद का अभी पासवर्ड हो, यानी कि अभी जो लाइव पासवर्ड है अभी तुम्हारे पास, वो पासवर्ड आपको डाल देना है। पासवर्ड डालने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको देख सकते हो कि यहाँ पर आपको न्यू पासवर्ड मांगने लगेगा। तो जैसे कि जो भी आपको पासवर्ड लगाना है न्यू पासवर्ड आपको क्लिक कर देना है, एंड यहाँ पर आपको कन्फर्म पासवर्ड में नया पासवर्ड डाल देना है। चेंज पासवर्ड पर आप जैसे ही क्लिक कर दोगे तो आपकी जीमेल आईडी का जो भी पासवर्ड था वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप अपनी ईमेल आईडी का पासवर्ड चेंज कर सकते हो बहुत ही आसानी से। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।